ये देखो हमारा दारू चेक करने का, फोटो भी खिंचेगी इसमें और दारू भी होगी। आ गया। गुड मॉर्निंग साथियों, जय भीम जय भारत। क्या हालचाल? बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। और अभी सुबह के बज गए हैं 7:30 और हम पहुँच गए हैं एमपी बॉर्डर पे। तो एमपी बॉर्डर का ये देखो पीछे आपको दिख रहा होगा, ये जाम लगा हुआ है, इधर भी ये जाम लगा हुआ है पूरा पूरा। तो अभी अभी यहाँ से हम 7:30 हो गए हैं, तो अभी यहाँ से पहले निकल लेते हैं पास करके, फिर आगे होटल पर रुक के फिर वहाँ पर फ्रेश व्रेश हम हो गए थे। अब यहाँ से सीधा पहुँचेंगे हम इंदौर। इंदौर के बाद इंदौर पे हमारा ऑफिस है, जो पिछली बार हमने नहीं दिखाया था, इस बार हम आपको वो ऑफिस दिखाएंगे। क्योंकि वो सर पिछली बार सो रहे थे ना, उसमें देखा होगा आपने पिछले ब्लॉग में जो भी, तो उसमें आपकी बार उन्हें मिलवाएंगे आपसे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और अब यहाँ से निकलने के बाद पहले कहीं 5-10 मिनट रुकेंगे और चाय पियेंगे, आधा घंटा रुकना पड़ेगा कम से कम। चलो ठीक है, चलते हैं। ये है दोस्तों हमारा चेक पोस्ट एमपी का, ये एमपी का बॉर्डर है। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधा। A few moments later. तो दोस्तों अभी आ गए हम बॉर्डर पार कर गए, बस अभी यहाँ पर रुकते हैं और ब्रश करते हैं। ब्रश करके आज खाएंगे एमपी का फेवरेट नाश्ता, पोहा जलेबी। ठीक है, तो जलेबी तो देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन पोहा 100% मिलेगा, क्योंकि छोटे होटलों पे मिलता है वो आइटम। ठीक है, तो चलो चलते हैं पहले फटाफट। है पोहा देना जी। नींबू है? नींबू यार, यार एमपी का फेवरेट नाश्ता है, नींबू नहीं है। दोस्तों हम चाय पी के चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आधा घंटा पूरा हो गया है, आधा घंटे से थोड़े ज्यादा ही हो गया, तो अब चलते हैं। ठीक है, और यहाँ से सीधा हम रुकेंगे वैष्णो ढाबे पे, घाट चढ़ के, मानपुर का घाट चढ़ के, तो वहाँ पर हमारा ऑफिस है जैसा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ओके, चलते हैं। आज सर हैं यहाँ पर, वो चेक करेंगे और सील उल वगैरह चेक करते हैं और चेक शीट में लिख के देते हैं। ठीक है, चलो। तो अभी चल रहे हैं ऑफिस में, ऑफिस में देखते हैं पता नहीं कहाँ होंगे। भागो रे भागो।
हमारा ऑफिस आ गया। ये हमारी कंपनी की गाड़ी खड़ी है, ये दोनों के दोनों महिंद्रा। ये इसमें फटा टेलर भी है ना, ये देखो ये सर कान में लगा कर बैठे हैं। लो तो ये भाई साहब हमारा छोटा सा ऑफिस है वैष्णो ढाबे पे, और ये जो गाड़ी दिख रही है सामने ये फटा टेलर है। हमारी कंपनी में खाली सब टेलर ही है, कोई छोटा गाड़ी नहीं है। चलो चेक कर लो। ये देखो हमारा दारू चेक करने का, फोटो भी खींचेगी इसमें और दारू भी होगी। ये किसी और कंपनी में चेक कराते हैं ऐसे? ये देखो ये आ गया भाई, लो सिस्टम खोलो इसका क्या है। अब ये हमारी अभी दारू चेक करेंगे यहाँ पर। बस हो गया, देख लो भाई दारू चेक हो रही है। आया क्या? आ गया ना? आ गया क्या है? मेरे को भी तो 0.0 इसमें दिख तो कुछ नहीं रहा। अच्छा ये फोटो है, ये फोटो है और ये 0.0 है। अच्छा ML का फर्क होता है इसमें, है ना? तो इतनी इंक्वायरी रहती है हमारी, अगर इधर चेक करवा के नहीं जाओगे तो कितने रुपए का फाइन है? वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, 1000 का हमारे 2000 का हमारे है। चलो दोस्तों ये हमारी हो गई दारू चेक, अब हम जाएंगे गाड़ी के पास, ये गाड़ी पे हमारी फोटो खींचेंगे, ठीक है, और फोटो खींच के अपडेट कर देंगे। तो चलो चलते पहले गाड़ी में फोटो खिंचवा लेते हैं फिर। दोस्तों फोटो खींच लिया इन्होंने और अब ये सील चेक करेंगे। आओ करो सील चेक, बिल्टी लाए हैं। अब इसमें जो सील नंबर लिखा है उसको एक सील नंबर से मिलाएंगे। चलो 285 ठीक भैया, 290 268 295 207। अब दो तुम अपने हिसाब से लगा लो। एक पीछे की और एक ऊपर की, ऊपर की कौन लगा? अरे वो वाली बॉक्स वाली पहले ऊपर में चढ़ो ना कि भाई हमको ऊपर का नंबर बताना पड़ता है। अरे यार ऊपर मत चढ़ाओ यार, आप चलाओ। चलो ये हमारे संदीप जी आपके चैनल मास्टर जिनको ऊपर चढ़ चढ़ के सील नंबर बताना पड़ रहा। 270 आ जाइए नीचे, लो पकड़ो आपका। चलो भैया ये एक और ट्रैक्टर की गाड़ी है। कहाँ का लोड है भैया? जयपुर का। अच्छा मैसी भरे हो ना। तो दोस्तों 11 बज गए हैं और हमारी गाड़ी वगैरह चेक हो गई, फोटो वोटो सब खींच गई है। तो एक काम करते हैं यार, रात को हमने दूध ही पिया था तो अभी खाना खा लेते हैं। डायरेक्ट खाना खाएंगे तो फिर यहाँ से सीधा 4 घंटे के बाद रुकेंगे, ठीक है। ये है भैया हमारा वैष्णो ढाबा। तो भाई वो आ गया हमारा तुअर दाल सब्जी। अरे खा लिया अब क्या है, मम्मी का फुसफुस नहीं है ना, वो तो फुसफुस मार लेते हैं। वो देना सर जी, मेरा टायर के नीचे आके टूट गया। साफ करके रखा सामने, चल पड़े। तो दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, और अब सीधा रुकेंगे हम इंदौर से भी आगे चल के मक्सी रोड पे, ठीक है। चलो दोस्तों आ गए हम देवास, अभी यहाँ से राइट जाएंगे बाईपास पे, आगे जाके फ्लाईओवर मिलेगा, उस फ्लाईओवर भोपाल वाला कट पार करके फ्लाईओवर मिलेगा आगे मक्सी वाला, मक्सी कट बोलते हैं उसको, वहां से फिर राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 2,
और हम रुके हैं मक्सी से आगे आके, तो एक बार हम लोग रुके हैं मक्सी से आगे आके और यहाँ पर एक होटल है लेफ्ट साइड में, हम यहाँ पर रुक गए क्योंकि यहाँ आधा घंटा हो जाएगा सुबह। वहाँ से हम 11 बजे 11:30 बजे निकल गए थे, तो 11:30 बजे निकले थे, तो यहाँ 4 घंटे के लमसम होने वाले हैं, हो गए हैं शायद, आसपास ही होंगे यार। चलो तो चलते हैं, अब यहाँ पर आधा घंटा रुकते हैं, ठीक है। और कल हमारे पास लड़का आ जाएगा, कल मेरे कई वीडियोस पे मैंने बोला है कि बंदा नहीं है मेरे पास, लेकिन कल हमारे पास बंदा आ जाएगा क्योंकि आज वो बस पकड़ लेगा और सुबह ग्वालियर में मिलेगा हमको। तो चलो चलते हैं, अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थक बहुत गया हूँ मैं, पता नहीं थकान नहीं उतरती है यार, कैसे थकान हो रही है। रात को भी कल मैं अचानक से सो गया और एडिटिंग करते हुए फिर मेरे को 12:30 के आसपास हो गया था, और अभी भी मैं सुबह 3:30 बजे एक बार आँख खुली तब मैंने उसमें उसको अपलोड पर लगाया, और सवेरे फिर मैं जल्दी उठ गया, 4 बजे उठ गया था, 3:30 बजे उठा, हाँ एडिटिंग पर लगाया, जो सोया ही नहीं, सॉरी सोया ही नहीं। तो चलो चलते हैं, आराम करते हैं थोड़ा, ठीक है। A few moments later. तो दोस्तों जहाँ हम रुके थे वहाँ से आ गए हैं ब्यावरा, यहाँ से एक रोड जाता है भोपाल और ये वापस जिससे हम आ रहे हैं वो इंदौर, और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो ना, ये वाला ये पहले था ही नहीं, जब तो सिंगल रोड था यहाँ पर, जब बना नहीं था, तो इसके नीचे से जो राइट जाएंगे वो चला जाएगा भोपाल, अब इसके नीचे से जो राइट जाएगा वो जाएगा भोपाल, और हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट करते हुए आ रहे हैं, कहाँ से निकले थे कहाँ घुस गए, तो दोस्तों पहुंच गए हम बीनागंज से 20 किलोमीटर पहले हैं, वहां से चले थे तो सीधा आके यहीं रुके हैं, और हमने ब्यावरा और बीनागंज के बीच में होटल है, राजस्थानी नाम राजस्थानी है, बाकी यहीं के लोकल के बंदे का होटल है, और अब बीनागंज चलेंगे, अभी शाम के बज गए हैं 6, तो हम सोच रहे हैं अब यहाँ पर कब शीशे उसे साफ़ करके फिर निकले, क्योंकि अब चलेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, तो जब तक आधा घंटा भी हमारा हो जाएगा और एक चाय भी पी लेंगे। यहाँ बहुत उड़ रहा है, वो पता नहीं क्या उड़ रहा है, आंखों में घुस गया एक, चलो तो चलते हैं, ठीक है, पहले सीधे चलते हैं उनसे, पहले अखबार देख लेते हैं, इनके पास अखबार मिल जाए तो ठीक है, चलो। तो दोस्तों अखबार तो नहीं मिला, चलो गाड़ी में थोड़ा सा पड़ा है अखबार, उसे साफ कर लेते हैं, ठीक है, फ्रंट सीधा साफ हो जाएगा, बाकी साइड में कपड़ा मार देंगे, ठीक है, चलो साफ कर लेते हैं। निकलते हैं यहाँ से, अंधेरा हो गया, ठीक है, अब सीधा का सीधा हम लोग गुना पार कर जाएंगे, गुना पार करके रुकेंगे, ठीक है, चलो। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो दोस्तों आज दोबारा पोपट हो गया। अभी रात के आपको मालूम है कितने बज रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं 2:30 बजे मेरी नींद खुली है, मेरा शाम को यहाँ होटल पे आने के बाद रात को 9 बजे, तो मैंने सारी वीडियोस को इंपोर्ट पे लगाया, इंपोर्ट पे लगाते ही, और जैसे मैंने सोचा थोड़ा समय तो लेता ही प्रोसेसिंग के लिए, तो इंपोर्ट पे लगाया तो नींद आ गई और मैं सो गया, तो अभी मेरी 2:30 बजे आँख खुली है, तो अभी मेरे को एडिटिंग सारा करना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो मैं करूँगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे बोला है कि वीडियो नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, आएगी तो आएगी ज़रूर। तो चलो इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
और अब हमें चलते हैं, ठीक है। अभी मॉर्निंग 2:30 बजे गए, सुबह फिर से मॉर्निंग हो जाएगी, तो चलो चलते हैं, ठीक है। गुड नाइट, बाय।